मेरा नाम फजलुर रहमान शेख है। आपने इसका वकालत की डिग्री कहाँ से ली? मैंने वकालत की डिग्री CWC कॉलेज से ली, मलाड में जो कॉलेज है वहाँ से मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। कब से कर रहे हैं अभी? मेरी डिग्री ख़त्म हुई 2017 में और मैं तभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और जमात के लिए भी मैं केसेस देखता हूँ, जमात इस्लामी हिंद मालवनी यूनिट की तरफ से केसेस देखता हूँ। तो इस जमात के लिए आपको कुछ पे किया जाता है क्या? तो खल को भी खिदमत ही कर रहे हैं। जमात के अंदर कभी किसी को कोई पेमेंट नहीं मिलता है सर। उसके अंदर कैसा है कि आपको अपना टाइम देना है, अपने अपनी सलाहियतें लगानी है और लोगों के लिए आपको काम करना है। वहाँ पे कोई पेमेंट नहीं होती है और वक्त ऐसा आता है कि कभी आपको अपने पॉकेट से भी खर्च करके आपको लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। तो जैसे कि हमने ऐड देखा था कि राशन कार्ड बहुत सारे लोगों के पास है लेकिन उनको प्रॉपर राशन नहीं मिलता, उनको इतनी नॉलेज नहीं है कि अपने राशन को किस तरह से फूड डिपार्टमेंट जाके इंक्वायरी किया जाए या वेबसाइट पर चेक किया जाए, तो उसके बारे में कुछ जनता को अवेयर करेंगे? क्या हुआ, पहले जैसे हम लोगों ने लोगों का सर्वे करते थे, लोगों के घर पे जाके देखते थे कि किनको क्या प्रॉब्लम है, कैसा क्या कर रहा है, तो लोगों की बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम ये आ रही थी। जैसे लॉकडाउन चालू हुआ तो लोगों को खाने के लिए प्रॉब्लम हो रही थी, तो हम घर पे जाके सर्वे करते थे तो लोग ये अक्सर कंप्लेन करते थे कि हमारे राशन कार्ड पर 6 नाम है, 8 नाम है, हमको 5 किलो चावल मिल गया, 6 किलो गेहूँ मिल गया और हमको पूरा का पूरा राशन नहीं मिलता है। और कुछ राशन कार्ड ऐसे थे जिनके ऊपर राशन अलॉकेट नहीं हो रहा था, तो वैसे सारे राशन कार्ड पे हम लोगों ने क्या किया, ऑनलाइन रिसर्चेस की, फिर महाफूड.gov.in की साइट के ऊपर हम लोग ने सारी रिसर्च करके हम लोग ने ये पता लगाया कि उस पर राशन कार्ड को किस तरह से ट्रैक किया जाए, ये कैसा पता लगाया गया कि उनके राशन कार्ड पे कितने नाम है और कितना फूड गवर्नमेंट उसके ऊपर एलोकेट करता है, तो ये हम लोग ने उस पर काम किया। तो अभी तक कितने लोगों का फायदा हो सका इससे जो आपने अवेयर किया? अवेयरनेस का क्या, हम लोग तो पूरी मालवनी के अंदर कर रहे हैं और अब तक का हम लोगों ने 600 से 700 फैमिलीज़ का हम लोगों ने कवर किया। उसके अंदर अक्सर के फ़ोन ऐसे आए कि जब हमने आपने हमको इन्फॉर्मेशन दी, हम राशन दुकान पे जाके हमने बताया, तो जो हमको पहले 5 किलो राशन देता था अब हमको पूरा का पूरा राशन, जितना आपने वेबसाइट पर बताया उतना पूरा राशन हमको मिलता था। उसमें ऐसे केसेस भी आए जिनको फ्री का राशन जो 3 महीने के लिए गवर्नमेंट ने दी थी, पर पर्सन 5 किलो चावल जो गवर्नमेंट ने दी थी, उनमें बहुत लोगों को नहीं मिल रहा था। तो फिर बाद में ये कैंपेन चलाने के बाद में लोगों को वो फ्री का राशन भी हम लोगों ने दिलवाया। फिर गए महीने का ये कुछ केसेस ऐसे आए कि गवर्नमेंट ने जो दाल अलॉकेट की थी तो वो दाल लोगों को नहीं मिल पा रही थी, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने क्या किया, उस पर भी कैंपेन चलाई, लोगों को बताया कि आपकी दाल भी मिलती है, आपको चावल मिलता है, फिर बाद में आपको आपका राशन कार्ड पे इतना एलोकेटेड राशन है, आपको जाके उसको लेना है। तो बहुत लोगों को नहीं समझ में आता था कि कैसा चेक करना है, तो हम लोगों ने इस पर कैंपेन चलाई। जैसे 4 पॉकेट्स हमारे मालवनी यूनिट में है, 5 नंबर है, माड़ा ऑफिस है, 59 नंबर है, फिर अंबोजवाड़ी है, आज़मी नगर है, तो ऐसे जगह पे हम लोगों ने ऑफिसर्स में बैठ के हमारे लोगों ने बैठ के लोगों को हेल्प किया, बताया वेबसाइट पे जाके कि आपको इतना राशन है आपको जाके लेना है। तो कई केसेस में ऐसा आया कि लोग गए वहाँ पर बताया और जो राशन दुकान वाला उनको कभी राशन पूरा नहीं देता था उसने बिना कुछ कहे पूरा का पूरा राशन उनको दिया। और उम्मीद ये है कि अब उन लोगों के साथ में जिनको हम लोगों ने अभी तक का हेल्प किया उनको अब फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि आपने बताया कि राशन कार्ड में अगर 10 नाम है और उसके दुकान वाले के वेबसाइट पर लिस्ट जो आती है उसमें 8 ही लोगों का नाम है, तो अगर कस्टमर को अपने राशन कार्ड पर जो फिजिकल है उसमें 10 नाम है और राशन कार्ड की दुकान वाले उसके सिस्टम पर अगर 8 दिखा रहे हैं, तो उसके लिए कोई सोल्यूशन है कस्टमर का कि वो खुद फील कर सके कोई फॉर्म? देखिए कैसा है, महाफूड.gov.in की साइट पे जाएंगे तो उसके ऊपर हमको RC नंबर हमारे राशन कार्ड पे हमको दिखता है जो 2720 से स्टार्ट होता है, 12 डिजिट का नंबर होता है। वो RC नंबर पे आप क्लिक करोगे तो एक बॉक्स ओपन होता है, उसके ऊपर आपको वो नंबर डालना है, RC नंबर, और उसको सबमिट करना है, तो आपको पूरी डिटेल आ जाएगी उस पर कि किसके नाम पे कार्ड एलोकेट हुआ था, उसके ऊपर कितने फैमिली मेम्बर कार्ड के ऊपर है और एक एक फैमिली मेम्बर को कितना राशन एलोकेटेड है। फिर उसके ऊपर ये भी बताएगा कि PMGK राइस उसके ऊपर कितना एलोकेट किया हुआ है। तो होता यह है कि अगर किसी फैमिली को 50 किलो राशन अगर मिल रहा है तो 50 किलो चावल फ्रीली गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है 10 लोगों के लिए 50 किलो, यानी एक पर्सन के लिए 5 किलो राशन गवर्नमेंट देती है। ये नहीं कहने का मतलब सर, जैसे कि 10 नाम उसके फिजिकल में दिया है राशन कार्ड में और वेबसाइट पे जो दुकान वाले के पास दिया गया है उस पे 8 नाम है, तो उस पे कस्टमर क्या कर सकता है कि मेरे 10 नाम पे पूरे मिले? नहीं, तो उसमें कैसा होता है कि रिसेंटली अगर आपने कुछ नाम ऐड किए हुए हैं तो पहले से 8 नाम थे आपके पास, अभी रिसेंटली आपने 2 नाम ऐड किए हुए तो 2 नाम आपके वेबसाइट पे इसलिए नहीं दिखेंगे क्योंकि उनका आधार लिंक नहीं होता है।
तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है, आपको जाना है राशन दुकान, राशन ऑफिस में जाना है, वहाँ पे आपका आधार लिंक करना है। लिंक करने के बाद में फिर यहाँ पे से अप्रूवल आता है, फिर वो आपका नाम लिंक होता है। जैसे इस टाइम लॉकडाउन है, लॉकडाउन में क्या जा सकते हैं लोग? नहीं, अभी लॉकडाउन में तो नहीं हो रहा है वो, तो जितने तो यही समय है। बराबर है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हाईकोर्ट में ये पिटीशन भी हम लोगों ने फाइल किए, मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस MPJ जो जमात की जो दूसरी विंग है, तो साथ में काम कर रहे हैं उसमें। हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया कि ऐसे लोगों के पास जिनका राशन कार्ड नहीं है या जिनका नाम राशन कार्ड में नहीं आ रहा है, उसके लिए क्या करना है। तो उसके लिए भी पिटीशन फाइल है, हो सकता है कि 2-3 दिन के अंदर उसके ऊपर भी फैसला आवे और कुछ ना कुछ होगा। और अभी ऐसा फारूक भाई ने बताया कि गवर्नमेंट आधार कार्ड पे एक आदमी को 6 किलो राशन दे रही है, तो उसके ऊपर हमारी रिसर्च चालू है। हालांकि अभी तक का वो काम अभी तक का स्टार्ट नहीं हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से, जितना जल्दी हो सके उस पर भी हम लोग रिसर्च कंप्लीट करेंगे और उस काम को भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। समाज की खबरें हिंदी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूले। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करें। अगर आपको हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर किसी भी तरीके का न्यूज या एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल करें 7666477110। धन्यवाद।